गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों, आज की क्लास में हम लोग क्लास सिक्स की साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है भोजन। तो भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है तथा यह कहां से आता है, इसके बारे में बच्चों हम लोगों ने पिछले दिन जाना था। इस पाठ को हम लोगों ने पढ़ा था और समझा था कि भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं, हम लोग कैसा भोजन करते हैं, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार का भोजन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु किस प्रकार की चीजों को खाते हैं, भोजन के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, किस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है, तो शाकाहारी जीव कैसे हैं, मांसाहारी कैसे हैं, सर्वाहारी कौन होते हैं, इनके इन सब के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की। आज की क्लास में बच्चों इसी पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं एक्सरसाइज के लिए। लेसन फर्स्ट, भोजन यह कहां से आता, पाठ का जवाब का नाम था क्या था, भोजन यह कहां से आता है। चलिए इसकी एक्सरसाइज आप हम करेंगे। पेज नंबर सिक्स, सभी बच्चे पेज छठवें को देखेंगे, छठवां पेज खोलने बच्चे अपनी साइंस की बुक का, देखेंगे छठवें पेज में क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनको समझना है, इसके बाद इनको करना है। मेरे पास भी आपकी साइंस की बुक है और आप यहां पर देख रहे हैं कि पहला जो प्रश्न है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। पहला जो प्रश्न है तो क्या पूछ रहा है, क्या सभी जीवों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों ये बात तो सच है कि सभी जीवों को भोजन की जरूरत होती है, सभी सजीव पोषण करते हैं, लेकिन सब व्यक्तियों के सब जीवों के शरीर की आवश्यकताएं अलग अलग होती है और उनके शरीर की संरचनाएं भी इस प्रकार से होती हैं कि किसी खास प्रकार के भोजन का ही सही तरीके से पाचन कर सकते हैं। तो इसलिए अलग अलग जीवों को अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, सभी को एक जैसा भोजन नहीं चाहिए। मनुष्य को दूसरी प्रकार के भोजन की जरूरत है, शेर है यानी मांसाहारी जीव है, उसे आप घास पत्ती भी खिला सकते हैं क्योंकि उसका पाचन तंत्र इस प्रकार से भगवान ने बनाया है कि घास वाला या पादप उत्पाद को नहीं पाचन कर पाएगा, न तो उसे ऊर्जा उससे प्राप्त होगी। इसी प्रकार से यदि शाकाहारी जीवों की हम बात करें, गाय की बात करें या फिर भेड़ बकरियों की बात करें, किसी भी शाकाहारी जीव के बच्चों शारीरिक संरचना हमारा पाचन तंत्र इस प्रकार का नहीं है कि मांस वाली चीजों को पचा सके। गाय को आप चाहें मछलियां खिलाएं मांस खिलाएं तो उसके शरीर की इस प्रकार की संरचना नहीं है कि उसका सही तरीके से पाचन कर सके। इसी लेकिन सर्वाहारी जो जीव है तो दोनों प्रकार के भोजन को आसानी से पचा सकते हैं। तो हर प्रकार के जीव की बच्चों अलग प्रकार की आवश्यकता है, अलग प्रकार तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं ना। जैसे हम मनुष्य किस प्रकार से भोजन करते हैं, मुंह के अंदर भोजन ले गए, भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। कुछ इस प्रकार के जीव भी हैं जो भोजन को चबा चबा कर खाते हैं, तो कुछ ऐसे जीव भी हैं जो भोजन को निगल लेते हैं। अजगर भोजन को निगल लिया, छिपकली भोजन को निगल जाती है, मगरमच्छ भोजन को निगल जाता है, सांप मेंढक को निगल जाता है, तो वो चबाते नहीं है, निगल जाते हैं। और कुछ इस प्रकार के भी कीड़े मकोड़े जीव जंतु हैं जो ना तो भोजन को चबा के खाते
ना तो निगलते हैं, तो क्या करते हैं, भोजन को चूसते हैं। जैसे तो मकड़ी हो गई, तो मकड़ी क्या करती है, मकड़ी आपके घर में इन बहुत दिनों तक आपने झाड़ू से कमरे की साफ सफाई नहीं किया, जाला नहीं डाला, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि जाले में बहुत से कीड़े मकोड़े आपको फंसे हुए दिखाई दे, लेकिन वो जीवित नहीं है, उनका सिर्फ कवर दिखाई दे। मान लीजिए काकरोच, काकरोच जाले में फंस गया, या गोबर वाला कीड़ा जाले में फंस जाए, तो मकड़ी जो है उसको कैसे खाएगी, क्या करती है बच्चों, अपने मुंह से, अपने ये मान लीजिए कि चूसक से, डंक से अपने उस कीड़े के अंदर एक प्रकार का पदार्थ छोड़ देती है, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ छोड़ देती है। मान लीजिए गोबर वाला काले वाले कीड़े के अंदर क्या कर दी, एक प्रकार का उसने रासायनिक पदार्थ मकड़ी में छोड़ दिया, अंदर से जो भी उसका मांस है वो घुल जाएगा और उसको सक करके चूस कर मकड़ी खा जाएगी और ऊर्जा प्राप्त करेगा, अपना पोषण करेगा। और आपको लगेगा कि जाले में अभी भी गोबर वाला कीड़ा जीवित अवस्था में, लेकिन सिर्फ उसका वह ढांचा है, उसके अंदर का सब तो मकड़ी खा गई। इसी प्रकार से तितली है या फिर मधुमक्खी है, वो भी क्या करती है, पराग को, फूलों के रस को चूसती है। तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के भोजन करने का तरीका अलग अलग होता है और अलग अलग उनकी भोजन की आवश्यकताएं, तो अलग अलग जीव अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग प्रकार का भोजन करता है। इतना आप इसके जवाब में लिखते हैं। तो प्रश्न क्या था, क्या सभी जीवों को एक किस्म के भोजन की आवश्यकता होगी, तो इसका जो उत्तर आप इस प्रकार से लिख लीजिए, नहीं, सभी जीवों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं। नहीं, सभी जीवों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं होती, अलग अलग जीवों के, ऐसा लिख लीजिए और थोड़ा सा बोल लीजिए, अलग अलग जीवों की शारीरिक आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं, अलग अलग जीवों की शारीरिक आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग जीवों की शारीरिक आवश्यकताएं, अलग अलग जीवों की, ऐसा थोड़ा सा और उसको सुधारेंगे हम लोग, अलग अलग जीवों की शारीरिक संरचनाएं, जो संरचनाएं एवं, ऐसा कर ले, संरचनाएं एवं आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए सभी जीव एक सा भोजन, एक सा या एक जैसा, एक सा भोजन नहीं करते। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं उसको, नहीं, सभी जीवों को एक प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं होती, अलग अलग जीवों की शारीरिक संरचनाएं एवं आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती, इसलिए सभी जीव एक सा भोजन या एक जैसा भोजन नहीं करते। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने पहले प्रश्न का उत्तर लाइव बोर्ड पे लिख दिया है और बच्चे इसे कर लेंगे।
कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं। संदीप कुमार, यस सर, ब्लैक बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं ना? यस सर, यस सर, यस सर। ओके ठीक, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न पे हम लोग पहुंच चुके हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? यस सर, पांच पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए कि उनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। तो आपको पांच पौधे बताना है और उनका कौन सा भाग खाया जाता है, यह आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, पांच पौधों के नाम लिखने हैं और बताना है कि उनका खाने में कौन से भाग का उपयोग किया जाता है। चलिए इसको साफ कर दें फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में हम लोग पहुंच गए हैं। एक तरफ पौधों के नाम आप दीजिए, पौधों के नाम, पौधों के नाम, और दूसरी साइड को कर लेते हैं खाया जाने वाला भाग। कुछ मैसेज आया है, जरा मैं एक बार पढ़ लूं इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों दूसरा जो प्रश्न है हमारा कि पौधों के नाम लिखने हैं, उसके खाया जाने वाला भाग आपको लिखना। बस बीच से लाइन खींच लीजिए, पौधों के नाम, पौधे का खाया जाने वाला भाग। ठीक, यहाँ पर कुछ पौधों के नाम लिखते हैं। सर, प्रश्न में पूछा गया है। सर, प्रश्न देखो जरा एक बार पुनः। पांच पौधे, ठीक, पांच नाम लिखने। कैसे हमने इस तरफ लिखा बच्चों? आलू, आलू क्या है? सर, आलू जमीन के अंदर जरूर रहता है, लेकिन क्या है सर? वह तना है, जड़ नहीं है। जड़ हम लोग किसे बोलते हैं सर? सामान्य रूप से सामान्यतः जड़ जो है वो भूमि के अंदर ही रहती है, लेकिन कुछ पौधों के तने भी जमीन के अंदर रहते हैं। तो जिन पौधों में, क्योंकि बच्चों पर्व और पर्व संध्या होती है, कुछ आंख जैसी संरचनाएं उसके होती है, यदि आलू को आप ज्यादा मात्रा में घर पे ला के रख दें तो कुछ दिनों में आप देखते हैं कि आलू से एक सफेद रंग का सूत्र निकल आता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं आलू में? आलू की पर्व, है ना? तो जिनमें पर्व और पर्व संध्या होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तना बोलते हैं। तो आलू जरूर जमीन के अंदर रहता है, आलू, अदरक, प्याज, लहसुन, लेकिन यह जड़ नहीं है, तने। तो आलू का कौन सा भाग है? तना। हम लोग सर पत्तियां नहीं खाते, तना। हेलो सर, इसी प्रकार से सर मान लीजिए आप बैगन, बैगन, अरे भाई अनम्यूट, बैगन के पौधे का क्या कौन सा भाग खाया जाता है? बैगन के पौधे ना तो पत्ती बैगन की खाते हैं, ना तो जड़ खाते हैं, ना तना खाते हैं। इसका हम क्या खाते हैं? फल। इधर लिख दीजिए फल, कुछ पत्तियां लिख दें। चलिए पालक, पालक की क्या खाते हैं? पत्तियां। इसके सामने लिखे पत्ती। हेलो सर, कुछ पौधों के बच्चों हम लोग जड़े भी खाते हैं। जड़े किसकी खाते हैं? मूली का है, मूली भी है, मूली, मूली भी क्या खाए? जड़ का। कुछ पौधों के बच्चों फूल भी भोजन के रूप में यूज करते हैं। फूल किसका? अरे भाई अनमा, सहजन। हेलो, सहजन या मुनगा, सहजन के फूल। हेलो, इस तरह से हम लोग पांच नाम बच्चों लिख चुके हैं। आप और भी नाम इसके सामने जोड़ सकते हैं, बैगन के सामने। हेलो सर, और सेब,
अनार जो भी आपको लिखना हो, मैं लिख दिया मान लीजिए सेब लिख दिया, आलू के सामने लिख दिया अदरक, पालक के सामने मेथी लिख दिए, मूली के सामने गाजर लिख दिए गाजर, सहजन सहजन के फूल, ठीक है, और किसी के फूल खाए जाते हैं गुलाब है ना, दुर्गंध बनता है, चलिए गुलाब गुलाब का भी फूल। इस तरह से आपके 10 नाम यहां हो गए। आप भी कुछ नए नाम सोच सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ आप अपनी कॉपी में लिखें, कुछ नए नाम अपने से सोच के लिखें। दोनों प्रश्नों के उत्तर ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखा दिया है, दो प्रश्न पूरे हो चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर प्रथा, प्रथा भी ऑनलाइन क्लास से जुड़ चुकी है। प्रथा सर, रीता पांडे, यस सर, हाँ ब्लैक बोर्ड साफ दिख रहा है? नो सर, नहीं दिख रहा, वही तो बता रहे हैं। हाँ आवाज मैसेज करें, कोई दिक्कत हो जो आवाज क्लियर थोड़ा सा नहीं आ रही, मैसेज कर रहे हैं। चलिए बच्चों, तीसरे प्रश्न में हम लोग पहुंच चुके हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, आपको जोड़ियां मिलानी है, तीसरे क्या करना है, जोड़ी मिलानी है, कालम ए को कालम बी से मैच कराना, पहले कालम को दूसरे कालम से मिलाना। चलिए पहले तो साफ कर दिया जाए अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न बच्चों हम कर रहे हैं, सर क्लियर नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं दिख रहा है, क्यों भाई क्लियर नहीं दिख रहा है? यस सर। अच्छा दूसरों से मैं पूछ लूं एक बार, सर संदीप कुमार, यस सर, ब्लैक बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है? नो सर। यस या नो? नो सर। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, मैसेज करें जरा, क्या समस्या है, धुंधला दिखाई दे रहा है या फिर अक्षर का छोटे लिखे जा रहे हैं या साफ राइटिंग नहीं है, क्या समस्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद जैसे ही मैसेज आएगा मैं बताऊंगा आपको। तो तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों, क्या करना है आपको, जोड़ी मिलाना है, कालम ए को कालम बी से मैच कराना है, तो बीच से लाइन खींच दिया हमने और दोनों तरफ जो भी सेंटेंस लिखे हुए हैं उसको लिख दिया। पहले कालम ए में क्या लिखा हुआ है इसको हम लोग लिखते हैं, दूध दही पनीर, दूध दही पनीर और घी। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, पालक फूल गोभी का जल, पालक फूल गोभी गाजर। तीसरा है सेब एवं बाग, सेब एवं बाग शाकाहारी। चौथे में है शाकाहारी, ठीक है। दूसरी तरफ क्या लिखा होगा इसको भी हम लोग लिखे, दूसरे जंतुओं को खाते हैं, करते हैं
दूसरे जंतुओं को एक दो तीन और चार, दूसरे जंतुओं को खाते खाते पादप एवं पादप उत्पाद खाते, पादप एवं पादप उत्पाद खाते, सब्जियां सब्जियां सभी जल उत्पाद ठीक है। चलिए इसको मैच कराते हैं। दूध दही पनीर और घी, इसका कौन सा जोड़ा बच्चों सही हो सकता है? दूसरे जंतुओं को खाते हैं तो है नहीं इसका जोड़ा, पादप एवं पादप उत्पाद। पादप मतलब पेड़ पौधों का, पेड़ पौधों से तात्पर्य है, पादप मतलब पौधा। तो पौधा और पौधों के उत्पाद तो दूध दही है नहीं, ना तो ये सब्जियां हैं, ये सभी जंतु उत्पाद है, मतलब जंतुओं से हमें प्राप्त होता है। दूध हमें किससे मिलता है, कौन से जंतु से? गाय से, भैंस से, बकरी से। इसी प्रकार से दूध से ही सारी चीजें बनती हैं, ये सभी जंतु उत्पाद की श्रेणी में आते हैं। इसको आप मैच करा देंगे इस प्रकार से, पहले का जो जोड़ा है लास्ट वाला सही। इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे, पालक फूल गोभी उपज, ये तीन बचे हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है? ये तीनों सब्जियां, इसको मैच करा दें, बहुत सरल है, सभी बच्चे बड़े ही आसानी से इसे कर लेंगे। शेर एवं बाघ, ये क्या करते हैं? दूसरे जंतुओं को मार के खाते हैं, इससे मैच करा देंगे। शाकाहारी जीव कौन से? जो फल और सब्जियां खाते हैं, पादप उत्पाद खाते हैं, उन्हें हम लोग शाकाहारी जीव बोलते हैं, इसको हमने इससे मैच करा दिया। इस तरह से आपकी जोड़ियां ये पूरी हो चुकी हैं। तो आप ही में इस प्रकार से आप तीर के निशान भी लगाएंगे, जिसका जो जोड़ा सही है, मान लीजिए पहले का कौन सा जोड़ा सही है, पीछे वाला, इसको उठाकर इनको इसी तरह कॉपी कर लेंगे, और इसको उठाकर आप ऊपर रख देंगे। दूसरे के सामने क्या रखते हैं कि सब्जियां, इनको एक दूसरे के सामने सही सही आपको लिखना है, तो बड़े ही आसानी से बच्चे इस काम को कर लेंगे। मैं समझता हूँ किसी बच्चे को कोई कठिनाई नहीं होगी, समय कभी एक बार देख लिया जाए, ठीक, अभी थोड़ा सा टाइम है, फिर अगली क्लास आपकी होगी सोशल साइंस की। बच्चों अगला जो काम हमें करना है क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए रिक्त स्थान में देखते हैं, चौथे नंबर पे लोग पहुंच चुके हैं, इनको समझिए और इनको भी जल्दी से कर दें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, शब्द किस पे दिए गए हैं, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। शब्द क्या दिए हुए हैं? शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना और मांसाहारी। चलिए इनको, ये बहुत सरल है, बच्चे बड़े आराम से कर लेंगे, इनको समझते चलते हैं और क्या भरना है किसमें, इसका जवाब आप ब्लैक बोर्ड पे भी देख लेंगे। तो बच्चों पहला जो रिक्त स्थान है हमारा क्या है? बाघ एक खाली स्थान है क्योंकि ये मांस खाता है। तो कैसा जीव कहलाया कि जो मांस खाते हैं? मांसाहारी। तो पहले वाले रिक्त स्थान में आपको क्या भरना है? मांसाहारी का नंबर पे क्या भरेंगे? मांसाहारी। मांसाहारी दिया हुआ, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता,
ठीक है, इसलिए कैसा जीव कहलाया है, ये शाकाहारी जीव कहलाएगा। दूसरे का भर दीजिए शाकाहारी, शाकाहारी। उदाहरण लगा के देखें क्या सेंटेंस है, तो तोता केवल खाली स्थान उत्पाद खाता है, तो यहां पर हम भरेंगे पादप उत्पाद खाता है ना। तोता बस बच्चों ने बाल भी रखा होगा अपने घरों में, है ना, तो पादप उत्पाद को खाता है, यानी शाकाहारी जीव है। अमरूद भी खा लेता है, मकाई का भुट्टा भी चबा लेगा, मिर्च भी खा लेगा, रोटियां भी खा लेगा, तो पादप उत्पाद खाता है। तो इसमें क्या भरेंगे, पादप, पादप खा, जो केवल जो हर स्थान हम पीते हैं वह प्रायः गाय भैंस और बकरी से प्राप्त होता है। तो गाय और भैंस बकरी से क्या पीने वाली चीज मिलती है, तो दूध मिलता है। यहां पर क्या भरेंगे, दूध भर। नंबर एक और बच्चों बचा हुआ है अंगा। हमें चीनी खाली स्थान से मिलती है, तो चीनी बच्चों किससे बनती है, गन्ने से बनती है ना, गन्ने से मिलती है। लेकिन जो दिए गए शब्द में लिखा हुआ है गन्ना, तो आप यहाँ क्या भर देंगे, गन्ना। चीनी गन्ने से बनती है, गन्ना से बनती है। इस तरह से आपके रिक्त स्थान पूरे हो चुके हैं और सभी बच्चे इस काम को भी अपनी कॉपी में कर लेंगे। यस सर। सोचने के लिए कुछ बातें, दो प्रश्न आपको सोचने के लिए भी दिए हुए हैं और इनके भी जवाब आपको मालूम होने चाहिए। तो सोचने के लिए जो प्रश्न है क्या है बच्चों, पहला जो प्रश्न है, क्या आपके आसपास सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, यदि नहीं तो क्यों। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है, 40 करोड़ लोग यहाँ निवास करते हैं। तो बच्चों गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण सभी लोगों को पर्याप्त भोजन, सही तरीके का भोजन नहीं मिल पाता है। यस सर। तो इसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है ना, आंगनबाड़ी केंद्रों में या फिर प्राथमिक विद्यालय में हम देखते हैं कि बच्चों के का स्वास्थ्य अच्छा हो, बच्चे कुपोषित ना हो, उन्हें सरकार क्या करती है, माध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराती है। तो आप भी अपने गाँव में, आप भी अपने शहर में देखे होंगे कि सरकारी विद्यालय में बच्चों को खाने की सामग्री, भोजन मिलता है दोपहर। मैसेज कुछ तो हाँ, हम लोग बाद में बात करेंगे रीता, स्कूल कब खुलेगा, बीच में पाठ के बीच में स्कूल कब खुलेगा, स्कूल खुला है देखो सब चल रहा है। तो खाने हम लोग बात कर रहे थे कि सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं है, कई बार भोजन की कमी से बहुत से बच्चे बीमार रहते हैं, कुपोषित हो जाते हैं। तो निर्धनता के कारण, गरीबी के कारण इस प्रकार की समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ती है। तो सरकार तो इस ओर प्रयास कर ही रही है, सरकार तो ध्यान दे ही रही है, लेकिन यदि हम लोग भी थोड़ा सा ध्यान दें तो जो कुपोषण की समस्या है या फिर लोगों को भोजन न मिलने की समस्या है, तो समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। तो अगला प्रश्न जो है और सोचने के लिए क्या है, एक और बचा हुआ है, हम भोजन की बर्बादी किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो बच्चों भोजन की बर्बादी रोकने के कई उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमें उतना ही भोजन घर में तैयार करना चाहिए जितना उसका उपयोग हो सके। यदि हम सामूहिक भोज में जब जाते हैं तो अपनी प्लेट में उतना ही भोजन लें जितना हम खा सके, है ना। तो ऐसा नहीं कि पूरी प्लेट भर लेगी, जब भूख लगेगी और पेट खाली जाएगा फिर से ले लेंगे, सामने ही तो लगा हुआ है, पहाड़ नहीं लगा लेना प्लेट साथ में। यदि पंगत में भोजन परोसा जा रहा है वहां भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो हमारे परोसे जाने वाले जो चम्मच उनका सही आकार, इतने बड़े चम्मच से नहीं परोसना है, एक बार में ही सब्जी डाल दी, तो सही मात्रा में भोजन डालना है पत्तल पे, सही मात्रा में भोजन परोसना है, तो चम्मच चम्मच भी हमारे सही आकार के होने चाहिए। यदि भोजन बचता है उसे सड़क पर नाली में इधर उधर न फेंक कर
जरूरत जरूरतमंद जो लोग हैं वहां तक हमें उसको पहले पहुंचाना है। तो यदि नहीं पहुंचा सकते हैं किसी कारणवश, तो अपने पालतू पशुओं को अलग से भोजन अनाज खिलाने की आवश्यकता नहीं है, इस बचे हुए अनाज को भी अपने पालतू पशु को दे सकते हैं। इस तरह से बच्चों आज के चैप्टर भोजन ये कहाँ से आता है इसकी एक्सरसाइज आज हमने पूरी कर ली है। तो अगली क्लास में हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सभी बच्चे अपनी कापियों में एक्सरसाइज अभ्यास कार्य के जो भी प्रश्न हैं अपनी कापी में पूरे कर लेंगे।